पीरियड का समय नॉर्मली भी हर महिला के लिए काफी पेनफुल समय होता है और इस दौरान आप फिजिकली पेन के अलावा मेंटली भी काफी थका थका फील करती हैं। ऐसे में क्या आपको भी पीरियड में बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं या फिर आपको उन क्लॉट्स के साथ बहुत सारा दर्द भी हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आने के रीजंस क्या क्या होते हैं। पीरियड्स के दौरान ज्यादातर लड़कियां निकलने वाले ब्लड पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि पीरियड में निकलने वाले ब्लड क्लॉट्स आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। आइए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि पीरियड के दौरान ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं। पीरियड्स के दौरान निकलने वाले ब्लड क्लॉट्स का महिलाओं को हर महीने सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कई महिलाएं पीरियड्स के दौरान होने वाले इस खून के बहाव पर ध्यान ही नहीं दे पाती, जो कि गलत है। ऐसे में किसी किसी महीने आपको ज़्यादा बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं जिनको देखकर आप एकदम से डर सकती हैं, लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है। इसलिए अगर ब्लीडिंग में काफ़ी गाढ़ा क्लॉट्स खून के साथ साथ बाहर निकल रहा है तो आप सबसे पहले ये जान लें कि यही क्लॉटिंग है, क्योंकि अगर खून के क्लॉट्स नहीं जमेंगे तो आपका ब्लड लगातार बहता ही रहेगा। इसलिए आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आपको चोट लगती है और खून बहने लगता है तो ऐसे में खून के क्लॉटिंग के कारण ही खून का बहना रुक जाता है और आपकी जो चोट होती है वो ठीक हो जाती है। इसके पीछे एक केमिकल प्रोसेस होता है जो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। असल में जब आपके शरीर में पीरियड वाला ब्लड बाहर निकलने वाला होता है उससे पहले ही आपका शरीर एंटीकॉगुलेंट्स का डिस्चार्ज करने लगता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है और खून के थक्के बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने ये जाना है कि पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं, अब हम क्या बात करेंगे कि पीरियड में ब्लड क्लॉट आने पर क्या होता है। पीरियड्स के दौरान ज़्यादातर महिलाएं खुद को काफ़ी वीक और स्वभाव से चिड़चिड़ा महसूस करती हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और दर्द उन्हें अलग अलग तरीके से फ्रस्ट्रेशन देता रहता है। साथ ही पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग से शरीर में आयरन की कमी भी हो जाती है। वहीं कुछ महिलाओं को चक्कर आना, उल्टी आना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। इसलिए जब भी पीरियड के दौरान आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है तो उसी समय आपको क्लॉटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे शरीर से ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। ज़्यादा ब्लड निकलने से महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, ऐसे में क्लॉटिंग शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा पीरियड्स के दिनों में यूट्रस के अंदर की परत टूटकर बाहर निकलती है, जिससे ब्लड बहने लगता है। पीरियड में वैसे इन दिनों ब्लीडिंग खुलकर होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड बहना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे बॉडी में आयरन और बाकी के न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। दरअसल विटामिन के और फाइब्रिनोजन प्रोटीन चोट लगने पर खून को जमाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जब पीरियड्स आते हैं तो ये खून जमने लगता है, ताकि शरीर से ज़्यादा खून बाहर ना निकले। इसलिए ब्लड के थक्के बनकर निकलना अच्छी बात है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इन क्लॉट्स का साइज़ क्या है। अगर ये क्लॉट्स आसानी से बाहर निकल जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इन क्लॉट्स को बाहर निकलते टाइम आपको दर्द हो रहा है तो समझ लें कि इनका साइज़ बढ़ गया है। ये ज़्यादातर उन महिलाओं को होता है जिनके यूट्रस में गांठ या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, इसके कारण बड़े बड़े खून के क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। इसके अलावा पीरियड ब्लीडिंग में क्लॉट बनना सेहत के लिए बुरा नहीं होता, बल्कि ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अगर किसी मेडिकल इन्फेक्शन या फिर मिसकैरेज की वजह से अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कुछ खास मामलों में ऐसा फाइब्रॉयड के कारण भी हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके यूट्रस में सूजन हो गई है। और हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि मिडिल एज की लगभग 70% महिलाएं फाइब्रॉयड की समस्या का शिकार होती जा रही हैं, जिनमें कुछ महिलाओं में पीरियड की शुरुआती 5 सालों में और मेनोपोज के ठीक 1 साल पहले ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग की समस्या रहती है। ऐसा होने पर डॉक्टरी चेकअप आप जरूर करवाएं। अगर ब्लड क्लॉटिंग के साथ कोई और लक्षण आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल घटना है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग के साथ थकान, कमजोरी भी आपको फील हो रही है तो ऐसे में एनीमिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अगर सर में दर्द हो तो भी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाएं और ऐसे समय पर अपना खास ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।